दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। और जैसे कि मैं कुकिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं कुकिंग करता हूँ। तो आज संडे है तो मैंने सोचा कि जो है बच्चों के लिए कुछ बनाए, तो कुछ नहीं कढ़ी राइस बनेगी। तो कढ़ी राइस के लिए हमने तैयारी कर दी है। तो जो मेरी रेसिपी है ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मेरी जो रेसिपी है मैं उसको आपके वीडियो पर शेयर करूँगा। आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन आती हुई दिखेगी, पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है लहसुन है, थोड़ा सा लहसुन काटा हमने, और ये हमने प्याज काटा है, ये हमने जो है टोमेटो को छोटा छोटा बिल्कुल स्मॉल चॉप किया है, बिल्कुल स्मॉल आपको एकदम चॉप करना है। अब आपको करना क्या है कि ये जो है बाकी आइटम यही है, ये मेथी मैं यूज करूंगा तड़के के लिए, और इसमें मैं ये इसको क्या बोलते हैं तेज पत्ता डाला जाएगा, और इसमें दो लौंग भी डालूंगा और एक इलायची भी डालूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये इसमें आपका जो है गार्लिक को जो है थोड़ा सा रोस्ट करूंगा, और फिर बाकी जो आइटम है वो दही का बनेगा। दही में आपको पता है इसको भुनना नहीं है, टमाटर और इसको भुनना नहीं है, इसको दही में मिक्स करके बेसन के साथ वो जो पेस्ट आपका कढ़ी का बनता है वो डाला जाएगा। ये सब डालने के बाद लास्ट में, अब ये सिंधी टाइप कढ़ी बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लाल मिर्च का जो सूखी वो वाली लाल मिर्च होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो ये है जी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च का घी में लाल मिर्च, इसमें बढ़िया एक तड़का बना के उसको ऊपर से छौंका लगाऊंगा। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो जी कढ़ी बनाना शुरू करा जाएगा, और अब मैं डाल रहा हूँ ये जो है सरसों का पतंजलि का तेल हम यूज करते हैं यहाँ पे नॉर्वे में, तो इसको थोड़ा सा हम सरसों का तेल अब इसमें डालेंगे। देखिए बस थोड़ा सा तेल ऑयल थोड़ा सा यूज करना है, क्योंकि इसमें बाद में घी का जो है वो लगेगा, छौंका लगेगा, तड़का जिसको बोलते हैं, जैसे दाल में तड़का लगता है ऐसे ही इसमें मैं एक स्पेशल तरीके का तड़का जो है लगाऊंगा। तो जी अभी जो है इसमें अब जो है ये सरसों का तेल की एक खासियत, एक हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप सरसों का तेल यूज करते हैं इसको पूरा आपको जो है एक तरह से आप कहो कि खौला दें पूरा, जब तक इसमें ये ऊपर को भाप आती भी आपको ना दिखे तब तक इसमें आप कोई भी चीज़ ना डालें, वरना इसका टेस्ट बेकार आता है। तो अभी भाप आने लग गई है, अब मैं यूज करूँगा जीरा, एक स्पून मैंने जीरा यूज करना है, और मेथी को मैं यूज करूँगा तड़के के लिए। तो इसमें सिर्फ अभी मैं जीरा मैंने यूज किया, बस एक स्पून जीरा बहुत है, ठीक है जी। अब मैं यूज करूंगा भैया, ये आप देखें ये तेज पत्ता, इसको तोड़ के मैं तेज पत्ता दो तेज पत्ते ऐसे मैं इसमें डाल दूंगा, और थोड़ा सा मैंने इसकी आंच कम कर दी है वरना ये गल जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे दो लौंग भी डालेंगे, लौंग का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ये मैंने लौंग डाल दिए दो, बस जी ये मेरा हो गया मसाला तैयार। अब मैं इसमें डाल दूंगा गार्लिक, बारीक, ये देखिए बारीक एकदम कटा हुआ गार्लिक, इसको डाल दें आप तड़के में। ये मेरा ये रेडी होता है, इसमें अब ये भी थोड़ा सा भुनने लग गया, तो इसमें अब हम बाकी के आइटम डालना शुरू करेंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें जो है दो स्पून में मसाले इसी में मिला देता हूँ अपना, और ये मसाले में सब कुछ मिक्स है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे हम,
अब हम इसमें मिला देंगे। अब आप ये देखें, ये जो है आपका पूरा रेडी है। ये सारा आप मिक्स कर लीजिए इसमें, क्योंकि सभी कुछ इसी में एक साथ मैं मिला देता हूं। अब इसमें जी ये जो मैंने बारीक टमाटर है ये भी इसी में डाल देते हैं, और साथ में जो है ये हमने जो प्याज कतरा है ये भी इसी में डाल देते हैं। ठीक है जी, अब जो है इसको ठीक से हम मिला के तो जी ये अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसको हल्का हल्का आपको हिलाते रहना है अब थोड़ी देर तक, क्योंकि जब तक ये जो है आपकी फटे ना, और इसके बाद इसका तड़का रेडी होगा। अभी तो ये पकेगी उबलेगी, अभी इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसमें थोड़ा थोड़ा आपको हिलाना है। तो जी हमारा जो है कड़ी उबलनी शुरू हो गई है, अब जो है ये थोड़ा सा इसको और उबलने देते हैं हम। तो ये आप देखो इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से कड़ी उबल रही है, और इसको थोड़ा उबलने देते हैं। इसके बाद अब हम साथ साथ में जो है अपना तड़का भी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये स्पेशल कड़ी जो है बनने वाली है। तो जी ये कड़ी एकदम बढ़िया उबल रही है देखिए, और अब मैं साथ साथ में जो है थोड़ा सा तड़के की भी तैयारी शुरू कर दी है। ये देखो तड़के में कुछ नहीं है, अब मेरे पास हमारे पास हींग ख़त्म है, आज हींग यूज नहीं कर पाएंगे, बट ये मेथी है, इसमें दो मिर्च है, और ये इसमें हम तड़का बनाएंगे, और ये जो है 2 स्पून घी, और ये कसूरी मेथी लास्ट में डाली जाएगी। बस हो गई हमारी कड़ी तैयार, और ये स्पेशल तरीके से बन रही है, आपको टेस्ट करके भी खा के दिखाएंगे। पहले अभी तड़का बनाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी तड़के की तैयारी शुरू हो गई है, ये सबसे पहले इसमें जाएगा घी 2 स्पून, और इसको डाल देते हैं एकदम बढ़िया, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा ही घी है, थोड़ा ज़्यादा है बट अच्छा लगेगा। और ये जो है अब इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है आपका जो बाकी का मसाला है। तो जी ये जो है हमारा तड़के के लिए तैयार हो चुका है घी, अब इसमें हमने मेथी और घी डाल दी है, बस इसको थोड़ा सा हम उबालेंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे, और उठा के इसको हमने कड़ी में उसके बाद डाल देना है। ये मेरा अब जी ये इसमें जाएगा एकदम बढ़िया, ये देखिए जी ये हमारी सिंधी कड़ी तैयार। अब हमें जो है इसको हल्का सा, और ये जो है हमने इसको हल्का सा हिला दिया, बस अब आप देखो एकदम मजे की सिंधी कड़ी का स्वाद आपको खा के दिखाएंगे हम। कड़ी हमारी तैयार हो गई है, थोड़ा अलग तरीके से कड़ी बनी है, और इसकी रेसिपी आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। ये हमारी खुद की इजाद करी हुई रेसिपी है, मेरी खुद की, तो बट आप कभी इसको बना के देखें, ट्राई करके देखें, तो आपको मज़ा आएगा। चलिए अब आपको खा के बताते हैं। तो ये बेहतरीन बाहर का वेदर और हमारा खाना रेडी, और अभी जो है आपके सामने मैंने परोसा है, वही जो मैंने सिंधी कड़ी बनाई है, एकदम देखो आप मस्त, ये देखो एकदम हवा अभी भाप आ रही है इसमें से, और ये सैलड हमने कुछ काट लिया है, ये हमारी हरी चटनी है, और ये रिधिमा तिवारी है, ये आ चुकी है अभी टेस्ट बताएगी, और ये हमारा राइस है, और ये गुन्नू की प्लेट लगी है, और अभी शोभा जी की प्लेट लगेगी, और उसके बाद, और यहाँ पार्टी हो रही है। और अभी हम
खा के टेस्ट करके बताएंगे। तो रिधिमा का है कि मेन रिधिमा है हमारी आज जो ये बताएगी कि भाई कैसा हो रखा है, जेन्यूनली बताएगी, ये गड़बड़ नहीं करना है। ओके तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। अच्छा है? अच्छा है। और राइस में मिला के खाने से कैसा हो रहा है? अच्छा है। खा के तो देख, एक स्पून मैं खा लिया था। गुड, ओके। खुद ही हम कुछ तो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तो रोटी भी खानी है एक, क्योंकि मुझे रोटी पसंद है। तो जी ये टेस्ट करते हैं हम रोटी के साथ। ठीक है, बढ़िया है। और ये जो है मिर्च जो मैंने तड़के में भुनी है घी में, और वैसे वो खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मज़ा आ गया। यार शोभा जी कैसी है कड़ी, जरा बताना। अच्छी है? तबीयत ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कड़ी कैसी है बताओ। खराब है, मुझे वो फील लेना है ना, तबीयत खराब में ऐसे तो बोलना होता है। रोते रोते ओम तिवारी शुरू करिए। ठीक है, आपके मतलब के बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, एकदम मजा आएगा आपको। तबीयत खराब है, मैं बस दो रोटी खाता ही बात तो जी अभी मैं अब जो है राइस एक्चुअल में अब खा रहा हूँ। मैंने रोटी पहले खा लिया था, तो अब राइस का टेस्ट जो मेन जो बोलते हैं ना कड़ी राइस, तो अब कड़ी राइस का आपको टेस्ट करते हैं। और उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड वाला लीजिए जोई भात। तो अब जोई भात फेवर मैं बता दूँ, और बाकियों के लिए कड़ी राइस, और वो भी जो है सिंधी कड़ी राइस। और उसकी जो रेसिपी है वो मैंने अभी इसमें मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। आपको वीडियो में चलते हुए वो सारी रेसिपी दिखाई देगी, तो वो आपको मिल जाएगा। बट मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ। तो सही है, बढ़िया है। तो जी अब जरा इवनिंग संडे की जो है ओम तिवारी को थोड़ा सा बच्चों को पार्क में घुमा के लाते हैं, आसपास में बच्चे सारे खेल रहे हैं। और तो ये देखो आप, एकदम बेहतरीन वेदर यहाँ पर हो रखा है। और ओम तिवारी एकदम मस्त साइकिल चला रहा है। ये देखो भैया, फिर आज के वीकेंड का जो है एंड होने जा रहा है, बस मस्ती ख़त्म। कल से सुबह से जो है काम धंधा शुरू। तो अभी देखते हैं। ओके